दोस्तों अभी पापा आ चुके हैं और शाम के 4 बज गए, बहुत ज्यादा लेट हो गया। हाँ, मौसम तो इतना ज्यादा ठंडा हो गया कि हो गया, मेरा दांत का इलाज था, हो गया। तो घाटी में इतना ज्यादा कुहासा था कि एकदम दिख नहीं रहा था, और रामगढ़ में तो खैर बारिश हो रहा है, रात से ही बारिश हो रहा है। दोस्तों अभी पापा तो आ गए हैं और ये देखिए चिकन मिल गया, कितने के लिए। तो आज जो है ट्रेनिंग के तौर पे सागर बनाएंगे, आज हम बैठेंगे और बताते जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आपसे फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह 9 बज रहा है और अभी हम रांची में हैं। तो रांची में दोस्तों हम गाड़ी खड़ा करके जा रहे हैं रामगढ़ घर, क्योंकि मेरा दांत में थोड़ा सा फोल्ड है, दांत में थोड़ा सा है। पिछला ब्लॉग में देखे होंगे कि मैं दांत के विषय में डॉक्टर को दिखा कहा था पिछले बार, तो सारा चीज़ वो देख लिया था, उसके बोला था आप 2-3 दिन बाद आइएगा। तो हम 2-3 बाद, आज मेरा 3 दिन हो गया है, तभी हम जा रहे हैं, क्योंकि टाटा से भर लिए रायपुर का माल, तो यहाँ गाड़ी खड़ा करके, क्योंकि यहाँ से हमारा 50 किलोमीटर रामगढ़ पड़ता है, तो गाड़ी लेके आना जाना मतलब बहुत महंगा पड़ जाता है, टोल टैक्स भी आ जाता है, तो इस सब लेकर के थोड़ा दिक्कत है। तो गाड़ी में सागर रहेगा, गाड़ी में दिन भर रहेगा सागर, शाम तक फिर भी हम आ ही जाएंगे, 100% है कि हम आ जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम निकल रहे हैं क्योंकि हमको जल्दी वापस भी आना है। दोस्तों अभी पापा निकल रहे हैं, बस शाम तक आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। चलिए अभी टेम्पो का इंतजार कर रहे थे, ऑटो वाला आएगा फिर निकलेंगे। चलिए अभी पापा तो चले गए, तब तक हम ब्रश वगैरह करके फ्रेश हो जाते हैं, बगल में पंप भी है, अगर बाथरूम में जाना पड़ेगा तो वहाँ चले जाएंगे। दोस्तों अभी ब्रश वगैरह तो कर लिए और पापा से अभी फोन में बात भी किए, तो वो बस पकड़ लिया है, रामगढ़ पहुंचने में भी लगेगा 1-2 घंटा। तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता बनाने के लिए, तो अपने गाड़ी में देखिए ये था किप्पी नूडल्स, तो यही बना ले रहे हैं, 4 पैकेट और भी पैकेट है लेकिन 4 ठीक है। और इधर प्याज और मिर्चा ले लिए, इसमें तो ज्यादा कुछ डलता नहीं है, और मौसम तो और देखिए इधर बारिश हो रहा, तो इधर ठंडा और ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों अभी प्याज तो डाल दिए हैं, पहले प्याज को भून लेते हैं, उसके बाद थोड़ा उसके बाद मिर्चा डाल देंगे, मिर्चा भी पड़ा हुआ साइड में। आज दोस्तों मतलब हम बहुत दिनों के बाद कुछ गाड़ी बना रहे हैं, इससे पहले तो मैगी बनाते ही रहते थे, मैगी और अभी रोटी भी बनाने लगे हैं। तो अभी क्या कि अगर अभी बारिश हो, अगर बारिश नहीं हो रहा था, इतना मतलब हम सीख गए हैं कि चिकन अब बना सकते हैं, चिकन और कोई भी सब्जी। पापा का देखते हैं ना बनाने के लिए, तो वो जो मसाला रखा हुआ रहता है सारा मसाला डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा, और अब याद भी हो गया है कि कब क्या डालना है, तो वो सब याद हो गया, हम चाहेंगे तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मार्केट 5-6 किलोमीटर दूर है, पापा बोले थे अगर ऑटो से जाएगा तो जा सकता है, अगर बारिश नहीं हो रहा था तो हम जाते हैं, देखते हैं अगर बारिश अगर छूटेगा, अगर पापा को हम पूछ लेंगे कि अगर टाइम लगेगा ज़्यादा तो आज हम सोचते हैं कि लाके चिकन बनाते हैं, और ख़राब भी बनेगा तो खाली हम ही खाएंगे, अब नहीं पापा तो शाम में आ जाएंगे, पापा को भी दे देंगे थोड़ा सा खाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों अभी देखते हैं, अगर लेट हुआ तो आज पक्का हम चिकन बनाएंगे। दोस्तों अभी हमारा तो नूडल्स बन गया और भी है इधर साइड में थोड़ा, तो अभी इसको खाते हैं। दोस्तों अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं और मौसम भी पूरा क्लियर हो गया, ये देख सकते हैं। और अभी पापा से भी बात हुआ तो पापा अपना चेकअप करवा लिए दांत का, शायद पता नहीं क्या कुछ लगा उनका दांत पे, तो अभी वो वापस आ रहे हैं, तो और 1 घंटे हम वापस आ जाएंगे, तो हम लोग को यहाँ से निकलना भी ज़रूरी है। तो पापा को हम बोले ऐसा करके चिकन बनाने का प्लानिंग था, तो पापा बोले कोई बात नहीं हम आएंगे फिर चिकन ले लेंगे और गुमला पंप में जाके बनाएंगे। तो वही हम इंतज़ार कर रहे हैं उनके आने का, मौसम तो अभी साफ है लेकिन ठंडा बहुत ज्यादा लग रहा है। दोस्तों अभी पापा आ चुके हैं और शाम के 4 बज गए, बहुत ज्यादा लेट हो गया। हाँ, मौसम तो इतना ज्यादा ठंडा हो गया कि बताइए कैसे कैसे हुआ। हो गया, मेरा दांत का इलाज था, हो गया। और अभी आते में देखिए ये लिए हैं चिरोता, चिरोता हर जगह मिलता नहीं है, अभी हम रांची में उतरे थे तो देखे बिक रहा था तो ले लिए। आज चिरोता इसलिए खाते हैं, पहले भी खाते थे हम हमेशा, कि चिरोता खाने से खून भी साफ होता है, और जैसे हम लोग चाय वगैरह ज्यादा पीते हैं तो थोड़ा शुगर का जो है वो भी कम हो जाता है, तो ये सब चीज रांची में दिखा हमको तो ले लिए। चाकू ये चाकू लिए हैं, दिखा थोड़ा सा काटने में तो काम देगा, वो दांत दिखाइए काम, दांत पता थोड़ी चलेगा अंदर का दांत है, खाली हो गया था जगह बोला, उसमें खाने से उसमें फंस जाता था तो निकालना पड़ता था, तो डॉक्टर ही मना किया था, जो हम परसों तरसों गए थे डॉक्टर पास वही मना किए थे कि बार बार तिमकाउन का मत मारा कीजिए, उससे खराबी होता है, तो उसने मटेरियल मंगा कर रखा था वो फिर भर दिया हमको, हो गया कम्प्लीट मेरा। तो मटेरियल निकल ही जाएगा? नहीं नहीं वो नहीं निकले, वो फिक्स हो जाता है, वो मस्कुरा ही बन जाता है जाके।
दोस्तों गाड़ी लेके निकल चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंडा है अभी रांची में। अभी हम रामगढ़ गए थे तो घाटी में इतना ज़्यादा कुहासा था कि एकदम दिख नहीं रहा था, और रामगढ़ में तो खैर बारिश हो रहा है, रात से ही बारिश हो रहा है, और रांची में बारिश उतना नहीं हो रहा है, झिमझिम हो रहा है, लेकिन ठंडा यहाँ बहुत ज़्यादा लग रहा है दोस्तों। मतलब रांची घाटी का स्थिति देखे ना, एकदम बस वालों को दिख नहीं रहा था, बहुत स्लो स्लो आराम आराम से चल रहा था वहाँ पे। तो देखिए ठंडा बढ़ा हुआ देखते हैं। ऐसे तो सुने हुए थे कि 3 दिन रहेगा ये, तो आज तो मेरे ख्याल से दूसरा दिन है आज, तो कल हो सकता है ख़त्म हो जाए। दोस्तों अभी तापमान जो है 16 डिग्री सेल्सियस चल रहा है यहाँ पे, तो वही अभी हम लोग देख मोबाइल पर ही हम लोग देख रहे थे हम लोग, तो पता चला हम लोगों को पता इतना ज़्यादा ठंडा है मौसम। देख सकते आज सुबह से धूप तक भी नहीं निकला यहाँ। दोस्तों अभी हम लोग बाजार देखते हुए जा रहे हैं कि अगर चिकन मिल रहा होगा तो ले लेंगे, और अभी तो पापा का दांत भी गैप भर गया है तो चिकन अब फंसेगा नहीं उसमें। और दोस्तों और आप लोग का ऐसे भी एक कमेंट आ रहा था कि रोहित के बारे में कि रोहित कब आने वाला है ऐसा करके, तो आएगा वो, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, मतलब हमारी तरफ से तो पूरा है कि वो आ जाए ऐसा करके। तो अभी क्या कि हम लोग दीपावली के बाद उसको कॉल किए आ जाओ, लेकिन वो अभी बोला है कि जनवरी के बाद आएंगे, और जनवरी के बाद बोल के अभी गया हुआ है यूपी। यूपी जाने का मतलब है हमको तो लग रहा है कि लड़की वगैरह देखने के लिए गया है, फैमिली के साथ गया है कि नहीं गया वो नहीं पता, वो बोल रहा था बस अभी यूपी आए हैं, तो हमको तो थोड़ा डाउट हो रहा है। ऐसे भी अभी सीजन चल रहा है शादी वादी का, तो हो सकता है कि इस बार रोहित वापस आए तो शादी करके आए, ऐसा हो सकता है ना। अभी क्लियर आपको नहीं बता रहे हैं, तो शायद हो सकता है लड़की दे, हम लोगों को भी क्लियर नहीं बताता कभी कुछ, और उसके बाद तो अभी तक कोई बात नहीं हुआ है उससे, देखिए शायद दूल्हा बन के आए फिर। दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं और मौसम देखिए लग रहा है कि कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया ये देखिए, और अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, पापा गए हैं चिकन लाने के लिए, तो चिकन लेते हुए आगे जाएंगे। पता नहीं कौन सा जगह का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन गुमला से थोड़ा पीछे ही है ज़्यादा, अभी टाइम है गुमला पहुँचने में। दोस्तों अभी पापा तो आ गए हैं और ये देखिए चिकन मिल गया, कितने केजी लिए? 1 केजी 200 हुआ है, गोटा लिए देसी वाला। अभी जितना मौसम इतना है ना कि ठंडा की हर दुकान में भीड़ लगा हुआ है, सबको यहाँ चिकन ही खाना है आज, मौसम के चलते खा रहा सब। अब हम लोग भी चलते हैं गुमला पंप में बनाने के विचार है। दोस्तों अभी रात का 9 बज चुका है और हम लोग गुमला पंप आ गए हैं, तो गुमला पंप में देख सकते आ गए, तो अभी स्टाफ सब गया खाना खाने के लिए, तो ऐसे तो हम लोग को सुबह ही निकलना है, तो सुबह ही तेल लेंगे, तो तब तक हम लोग चलते हैं खाना बना लेते हैं। दोस्तों अभी सब कुछ तो कटिंग कर लिए, ये देखिए प्याज और इधर सब कुछ, इसको भी धो लिए चिकन को अच्छे से, पापा उसमें अभी नींबू डाल के मिला रहे पूरा। दोस्तों देख सकते हैं ये हम लोग 2 आदमी हैं, तो 1 ही किलो के लिए थे गोटा वाला, और ये देसी चिकन है, साइज देख के समझ सकते हैं हम लोग, और मौसम ठंडा का है हमको, तो चलो आज बनाया जाए रात में ही, समय तो मिला नहीं था कि दिन में तो हम चले गए थे रामगढ़ तो दिन में ही बनता, पर आज जो है ट्रेनिंग के तौर पर सागर बनाएगा, आज हम बैठेंगे और बताते जाएंगे, ठीक है? तो आज हम उनका ट्रेनिंग में है सागर, आज सागर के हाथ से खाया जाएगा चिकन। दोस्तों अभी कढ़ाई तो चढ़ा दिए थे और तेल भी डाल दिए है, और जीरा डाल रहे पहले इस पे। दोस्तों देख उसे चलाओ मत, अब लहसुन डालो। दोस्तों देख सकते हैं ट्रेनिंग चालू है अभी, मतलब बनाते हुए देखा है कई बार, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो अपने हाथ से करने में कुछ और बात होता है। लहसुन को लाल करो, गोटा लहसुन भी दोस्तों पापा डाल रहे हैं, ये देखिए ठंडा का मौसम है तो गोटा लहसुन भी डलाएगा, तो प्याज के साथ में डलाएगा, ऐसे डालेगा तो अभी फूटने लगेगा अभी। और आज कैमरामैन भी पापा बन गए हैं पता नहीं रिकॉर्डिंग ठीक से कर रहे कि नहीं, लेकिन दे दिए करने के लिए। लहसुन दोस्तों अभी लाल हो रहा है, लाल तो अभी हुआ नहीं है, थोड़ा देर और लगेगा, उसके बाद प्याज डालेंगे। देख सकते हैं दोस्तों प्याज भी डल चुका है, चलाओ उसको, चलाओ पकड़ के चलाओ, प्याज लहसुन मिर्चा तीनों डल चुका है अभी, अब ये थोड़ा सा लाल होने में समय लगेगा, अभी पूरा चला पूरा तेल पूरा मिला दो, सम लगेगा पूरा मिला उधर, दोस्तों प्याज तो अभी हमारा भूज रहा है ये देखिए, थोड़ा अभी बीच में कर दिए ताकि पापा भी सामने में देखते रहे, नज़र रख रहे हैं ठीक से बन रहा है कि नहीं है, तो अभी ठीक ही बन रहा है, बस थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर डालेंगे सब कुछ। दोस्तों अभी प्याज तो हमारा भून गया है, तो थोड़ा सा चिकन भी डाल दिए थे, अभी और सारा डाल दे रहे हैं इसमें, ये देखिए अब इसको अच्छे से चलाते रहेंगे और भूनेंगे इसको। दोस्तों अभी इतना तो भून लिए हैं, अब इसमें डालना पड़ेगा मसाला, और मसाला तो अपना रेडी है सब कुछ, ये देखिए थोड़ा हल्दी,
बाकी सबका नाम नहीं मालूम लेकिन डाल दे रहे हैं। ठीक है, हाँ मिलाओ अच्छी तरह से। अब इसको मिलाते हैं। ठीक है, मसाला सिंपल था, अपना डिब्बे में जो रहता है मसाला वो सब डाल देना है थोड़ा थोड़ा बस, इसीलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और सब्ज़ी भी बनाते हैं तब भी पापा सब डाल देते हैं मसाला, इसीलिए जो होता है ना थोड़ा प्रॉब्लम कि मसाला में दिक्कत आ सकता है कौन सा डालेगा कौन सा नहीं, पर इसमें ऐसा नहीं है, सारा डाल दो। दोस्तों अभी देखिए अच्छे से तो हमारा चिकन भुंज गया है, तो थोड़ा सा इसको रोटी के साथ खाना, इसलिए ज़्यादा इसमें तरी नहीं करेंगे, अगर चावल साथ खाना होता तो थोड़ा करते। तो डाल दे रहे हैं अभी पानी, ये देखिए ज़्यादा नहीं डालेंगे बस थोड़ा, अब सही है। ऐसे भी थोड़ा तो सूख ही जाता है, अभी चलाते रहेंगे तो उसमें थोड़ा और सूख जाएगा, लेकिन ठीक है। देखिए कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये और मिला और मिला और चलाओ अभी, चलो पूरा मिला देंगे ना इसको। मसाला भी अच्छे से पूरा भूंज गया था दोस्तों, मेरा देख सकते हैं चिकन तो कम्प्लीट कर ही लिया है ये। आपका नहीं, हम बनाए तो मेरा हो गया। चलो ठीक है, मिलाओ उसको अच्छी तरह से मिलाओ, रोटी साथ ज़्यादा तरी रहेगा नहीं, सूखा ही रहेगा थोड़ा। दोस्तों चिकन मेरा बन चुका है, देख सकते हैं निकल भी गया, चले खाने के लिए। बताइए आप टेस्ट बताइए। और भी दोस्तों चिकन बचा है, इधर साइड में रख दिए अभी, दांत भी लगवा के आया है तो देखिए फंस रहा है कि क्या हो रहा है। दोस्तों खाना तो बहुत ही अच्छा बना है, और आज क्या है ना, कोई भी चीज़ खरीदते आदमी जब कोई चीज़ गारंटी देता है उसको यूज करके देखता है, तो इसी तरह डॉक्टर के पास हम गए थे, मेरा जो फंसने वाली बीमारी था, तो डॉक्टर साहब को बोले थे कि हम चेक करेंगे चिकन वगैरह खा करके, तो वही आज चिकन खा कर चेक कर रहे हैं, तो अभी तक ऐसा शिकायत नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले दो चार बार खाते थे फंस जाता था, वो दर्द करता था, फिर आगे हम खा नहीं पाते थे, ये दिक्कत होता था, तो तिनका मारने से और भी ख़राबी होता है, तो डॉक्टर साहब को मना किए थे। तो वहाँ पर क्या है कि मसाला भर दिए वो, अब बोले कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब खा करके अब चेक कर लीजिएगा, वही खा कर ट्राई भी कर रहे हैं कि फंस तो नहीं रहा है, नहीं तो सुबह फिर डॉक्टर साहब को फ़ोन करते हैं हम। चलिए बहुत ही अच्छा है, समय भी काफ़ी हो गया है और हम लोग खाना खाते हैं। टेस्ट बताइए, थोड़ा तारीफ तो करिए, टेस्ट नहीं बता रहे हैं। ना टेस्ट तो वही है जिस, अब हम सामने बैठे थे, जो खुराक अपने हाथ से डालते थे वो सागर अपने हाथ से डाल रहा था, तो अपने हाथ से करने में कुछ और बात होता है, तो वो क्या है कि हमेशा के लिए याद रहता है कि हाँ ये चीज़ डाले थे, ये चीज़ किए थे। एक दोस्तों किसी के कहने पर और ख़ुद से प्रैक्टिकल करके बनाने में वो फ़र्क पड़ता है, तो अपने हाथ से करने में क्या है सब कुछ दिमाग में रहेगा कि हाँ ये डालना था, ये भूंजे थे, ये किए थे, और कोई आदमी बोल देता है या देख लेता है तो ऐसे ऐसे, तो उसमें मज़ा नहीं आता है, तो ये सब बहुत अच्छी बात है, खुद अपने हाथ से कोई भी काम करना चाहिए। तो आज देखिए बनाया सागर, वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, वही टेस्ट है, वही तरी है, सब चीज़ वही चीज़ है। अब दोस्तों हम भी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं अपने हाथ का चिकन, देखने तो पूरा सेम लग रहा है कि पापा ही जैसे बनाते हैं वैसे ही लग रहा है खाने देखने में। बहुत मस्त लग रहा है दोस्तों, पापा जैसे बनाते हैं एकदम वैसे ही लग रहा है, अपना भी तारीफ कर रहे हैं, मतलब पापा तारीफ किए तब अपना तारीफ कर रहे हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है। अब कहीं पापा बाहर जाएंगे तो हम भी बना सकते हैं चिकन, जरूर जरूर, ये सीखना भी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये खाना पीना भी बहुत ज़रूरी है कि आदमी घर पर रहे या नहीं, कोई रहे या ना रहे अपना बना के खा लेंगे, किसी को टेंशन नहीं, क्या किसी को बुलाएंगे तब बना के देगा या होटल से खाना मंगाएंगे, ये नहीं होना चाहिए, अपने से सीखना भी चाहिए सब। सीख गए हम दोस्तों, खाना तो अपना हो गया, अब सोने की तैयारी में है। तो दोस्तों आज तो हम लोग का सफ़र जो है, हम जो चले गए थे घर, तो उसके चलते ज़्यादा सफ़र चल नहीं पाया गाड़ी, तो करीब हम लोग 150-200 किलोमीटर चले हैं अभी हम लोग, तो अभी यहाँ से 430-440 किलोमीटर और बचा हुआ है रायपुर, तो हम लोग अपना कल से अपना चालू हो जाएगा फिर रायपुर का सफ़र, तभी जा रहे हैं हम लोग सोने के लिए। क्या है कि रायपुर का रास्ता भी थोड़ा ख़राब है, तो उसमें सफ़र थोड़ा कम कटता है उसमें, और जहाँ फोर लाइन रहता है वहाँ सफ़र ज़्यादा कटता है, और रायपुर हम लोग रात में देख कर भी रोक लेते हैं गाड़ी, कि रास्ता ख़राब भी है, बारिश का मौसम भी हुआ है, पता नहीं क्या पोजिशन हुआ होगा उधर रास्ते का, वो भी देखना पड़ेगा हम लोग जाके। तो दोस्तों अगला नेक्स्ट ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा मेरा, अब रायपुर का सफ़र, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।